गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ क्लास। सो अज असीं गल करांगे कंजंक्शन बारे, जिवें कि साडी कंजंक्शन दी सीरीज चल रही सी जिहदे विच असीं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंप्लीट कर लिया सी। ठीक है जी, असीं एक बारी दोबारा रिवाइज करवा दिंदे आ कि कंजंक्शन हुंदा की है। कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट जॉइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस टुगेदर। जिहड़ा की है, दो वर्ड्स नूं और दो सेंटेंसेस नूं आपस दे विच की करदा है, कनेक्ट करदा है। ठीक है, और इहदे विच साडे कोल तीन टाइप्स हैगीआं। फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग, सैकेंड इज सबोर्डिनेटिंग एंड थर्ड इज कोरिलेटिव। ठीक है, साडी जिहड़ी फर्स्ट टाइप आ उसी कर रही सी और अज असीं सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन की गल करांगे। हाँ जी, अज असीं गल करन जा रहे हां सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन विच की हुंदा है, साडे कोल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुंदी है और एक डिपेंडेंट क्लॉज हुंदी है। और सब तो पहला असीं इह जाणांगे कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज हुंदियां की ने। डिपेंडेंट क्लॉज ओह क्लॉज और ओह सेंटेंस दा भाग हुंदा है जिहड़ा की है अपने आप च कंप्लीट नहीं हुंदा, इनकंप्लीट हुंदा है। और जदों असीं सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन नूं यूज करदे हां तां की इहनूं प्रॉपर सेंस दिंदा है। फॉर एग्जाम्पल, साडे कोल इक जिवें सेंटेंस है, बिकॉज शी इज बिजी, क्योंकि वो की है बिजी है। हुण जिहड़ा आह सेंटेंस है इह इनकंप्लीट है। ठीक है, इह की है मतलब कि अपने आप च पूरी सेंस सानूं नहीं दे रहा। हुण जो तुसीं लिखदे आ शी कैनॉट हेल्प यू बिकॉज शी इज बिजी, वो की है तुहाडी मदद नहीं कर सकती। रीजन इज दैट शी इज बिजी, वो की है बिजी है। ठीक है, हुण इस सेंटेंस सानूं एक पूरी कंप्लीट सेंस दे रहा है, सानूं समझ आ रही है कि इस सेंटेंस दे विच की रीजन है, इस सेंटेंस की कह रहे हैं। ठीक है, इसे ही तरह जिहड़ी की है सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इंडिपेंडेंट क्लॉज नूं डिपेंडेंट क्लॉज दे नाल जोड़दे ने। ठीक है जी, हुण असीं जाणांगे कि साडे जिहड़े सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने उह हुंदे किहड़े किहड़े ने। जिवें कि साडे कोल है वैन, आफ्टर, बिफोर, एज, टिल, वेयर, वेन, व्हेनेवर, आल्दो, दैट, सो दैट, सिंस। हाँ जी, ये सारे सारे सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने। असीं हुण की आ वन बाय वन इन्हां बारे पढ़ांगे। सब तो पहला असीं गल करदे हां वैन। वैन दा मीनिंग हुंदा है जी जदों। पंजाबी विच जदों गल कीती जांदी वैन दी, उदों असीं की है इस वर्ड तों की भाव लैंदे हां, जदों तों। जिहड़ा वैन हमेशा ही टाइम दे कंसैप्ट दे नाल जुड़िया होया है। ठीक है, जिवें कि साडे कोल इक सेंटेंस है, when I went to the office, the peon was going to his home. जदों मैं ऑफिस नूं गया सी, जिहड़ा प्यौन है, जिहड़ा चपड़ासी है, ओह की अपने घर जा रहा सी। इहदे विच जिहड़ा वैन है, इह टाइम दे कंसैप्ट दे नाल जुड़िया होया। नैक्सट असी एक होर सेंटेंस देखनी आ। नैक्सट है जी, वैन आई वेंट आउट इट वॉज रेनिंग। जदों मैं बाहर गया की हो रही सी, बारिश हो रही सी। ठीक है, जदों मैं बाहर गया, वैन आई वेंट आउट इट वॉज रेनिंग। ठीक है जी, इसे ही तरह जरा वैन ना टाइम के कॉन्सेप्ट के नाल जुड़िया होया। एक असी होर सेंटेंस देख लें, I used to paint a picture when I was a schoolboy.
मैं एक पिक्चर को पेंट कराया करता सी जब मैं एक स्कूल बॉय होता सी, जब कि मैं एक स्कूल जाने वाला लड़का होता सी। ठीक है, इसी तरह जरा मैंने हमेशा एक ऐसी टाइप के कांसेप्ट के नाल यूज करते हैं, राइट। हां जी, अगला जरा सारा कंजंक्शन है वो है जी आफ्टर। आफ्टर जरा कंजंक्शन है, ये भी टाइप के कांसेप्ट के नाल जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब होता है बाद में। हां जी, इसी गल करते हैं आफ्टर की। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, जिसे साड़ी को एक सेंटेंस है, आई स्टार्टेड वर्क आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर। आई स्टार्टेड वर्क आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर। मैं की है काम शुरू किया न्यूज़पेपर पढ़ने तो बाद। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ने तो बाद की है मैं काम स्टार्ट किया। ठीक है जी, अगला जरा सा सेंटेंस है, उसी देखोगे वो भी टाइप के कॉन्सेप्ट के नाल जुड़िया हुआ है। आई राइट अ स्टोरी आफ्टर लिसनिंग द ऑडियो। ऑडियो सुनने के बाद मैं एक स्टोरी नु लिखिया। ठीक है, इसी तरह जो आफ्टर एंड की टाइप के कॉन्सेप्ट के नाल जुड़िया हुआ, जिसका मतलब होता है बाद में। ठीक है, अगला जरा सा कंजंक्शन है जी वो देखते हैं। अगला सा कंजंक्शन है बिफोर। ठीक है, बिफोर भी किया टाइम के कॉन्सेप्ट के नाल जुड़िया हुआ है, जिसका मतलब होता है पहला। ठीक है, बिफोर का मतलब होता है जी पहला, जिवें असीं एक सेंटेंस देखते हैं याद है ना, डू इट बिफोर यू फॉरगेट। भुलन तो पहला की है इसनों कर लो। ठीक है, भुलन तो पहला की है इसनों कर लो। ठीक है, नेक्स्ट जरा सा है सेंटेंस, आई ड्रिंक सम वॉटर बिफोर गोइंग टू बेड। बेड पे जाने तो पहला मैं की है कुछ पानी पीता। ठीक है, हाँ जी, इसी तरह की असि तीन कंजंक्शन डिस्क्राइब किए, तीन कंजंक्शन असि किए जो की है टाइम के कॉन्सेप्ट के नाल जुड़े हुए सी। जिहड़ा साडा फर्स्ट सीगा ओह सीगा वैन, सैकेंड सीगा आफ्टर, और जिहड़ा साडा थर्ड हैगा आ ओह सी कीता बिफोर। हाँ जी, जिहड़े टाइम के नाल जुड़े हुए सी कंजंक्शन ओह सी कर ले। नेक्स्ट वीडियो के विच असि जिहड़े बाकी के कंजंक्शन है वह गल करते हैं। थैंक यू।